हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से मैं हूं साकिबुल इस्लाम और मैं हूं सारा जमान। अमेरिका की जानिब से यरूशलम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करने पर वॉशिंगटन में क्या रद्द अमल सामने आ रहा है और ये फैसला मशरिक वस्ता में अमल में अमेरिका के किरदार के लिए क्या मानी रखता है, इस सब पर हम बात करेंगे आज के शो में। प्रोग्राम में और भी बहुत कुछ शामिल है, शुरू करते हैं व्यू 360। टेक्नोलॉजी के शोबे में खवातीन का सबसे बड़ा बैन अलावामी इजलास। Don't let anyone ever tell you that you cannot achieve your dreams. सुबह पंजाब में कुत्ते के काटे का इलाज कराना क्यों मुश्किल? केसेस कम नहीं हो रहे, उसकी वजह ये है कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं उन पे कोई कंट्रोल नहीं है। और अमेरिका के एक तारीखी शहर की सैर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से यरूशलम को इसराइल का दारुलहुकूमत तस्लीम करने पर बैन अल-अक़वामी बरादरी तनकीद कर रही है। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने इस फैसले को अमन की जानिब एक कदम करार दिया है, जबकि फलस्तीनी रहनुमा महमूद अब्बास ने कहा है कि इससे कभी ना ख़त्म होने वाली जंगें शुरू हो सकती हैं। इस वक्त अमान अज़हर हमारे साथ है कैपिटल हिल से। अमान, अमरीका के अंदर और बाहर इस फैसले पर मज़ीद क्या कहा जा रहा है? जी, यरूशलम को इसराइल का दारुलहुकूमत तस्लीम किए जाने के यकतरफा अमरीकी फैसले के बाद अभी अमरीका के अंदर बाहर से रद्द अमल का सिलसिला जारी है और मशरिक वस्ता में जो अमरीका के हलीफ ममालिक हैं उनकी जानिब से भी इस फैसले को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। खुसूसन सऊदी अरब की जानिब से कहा गया है कि ये फैसला गैर मुनसिफाना और गैर ज़रूरी था। और हमने देखा कि उसके अलावा मिस्र, उर्दन और तुर्की के सरबराहान की जानिब से भी इस फैसले को बैन अल-अक़वामी कवानीन के बरखिलाफ़ और उसके अलावा गैर ज़रूरी और गैर मुनसिफाना करार दिया गया। अमरीका के अंदर भी मुबसरीन इस मामले को देख रहे हैं और खुसूसन मशरिक वस्ता पर अमरीकी खारजा पॉलिसी के हवाले से इसको वो एक नए चैप्टर अमरीकी खारजा पॉलिसी के एक नए बाब के तौर पर देख रहे हैं और एक कंसेंसस बनता नज़र आ रहा है कि इस फैसले के बाद अमरीका का मशरिक वस्ता में गैर जानबदार सालिस के तौर पर किरदार ख़त्म हो गया है। मजीद क्या गुफ्तगू हो रही है वो जानते हैं इस रिपोर्ट में। तवक्को के ऐन मुताबिक फलस्तीनियों और दुनिया भर से उनके हमायतियों ने सदर ट्रंप के यरूशलम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करने के फैसले पर गम गुस्से का इजहार किया है। वो इस फैसले से अमरीका और अमरीका से बाहर मजहबी शिद्दत पसंदों को शह दे रहे हैं। उनका ये फैसला खित्ते में कयाम अमन की कोशिशों के लिए एक बड़ा झटका है। अमरीकी सदर की तकरीर के बाद ऐसे शुबहात का इजहार किया जा रहा है कि इस फैसले से मशरिक वस्ता के दो रियासती हल को नुकसान पहुंचा है। अक़वामे मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी का कहना है कि यरूशलम की हैसियत इसराइल और फलस्तीन के दरमियान दो तरफा मुज़ाकरात के जरिए ही तय की जा सकती है और किसी भी एक तरफा इक़दाम से अमन की कोशिशों को नुकसान होगा। मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगा कि इसराइली और फलस्तीनी सरबराहान बामानी मुज़ाकरात के लिए वापस आए। फलस्तीन की जानिब से मुज़ाकरात के लिए आला तरीन ओहदेदार का कहना है इस इक़दाम के बाद अमरीका मशरिक वस्ता में क़याम अमन की कोशिशों में फरीक का किरदार अदा नहीं कर सकता। उन्होंने बैन अल-अक़वामी कानून और इंसानी हकूक की सरासर खिलाफ वर्जी की है। वो इस मसले को सियासी मसले के बजाय मजहबी मसला बनाना चाहते हैं। कुछ माहिरीन मुत्तफिक हैं कि सदर ट्रंप के फैसले से मशरिक वस्ता में अमरीकी सरबराही में क़याम अमन की कोशिशों का दौर खत्म हो गया है। फलस्तीनी अवाम इसकी इजाज़त नहीं देगी और अगर कोई भी फलस्तीनी लीडर इस बारे में सोचेगा भी तो वो अवाम में अपनी कदर खो देगा। वाशिंगटन में क़दामत पसंद यहूदियों की एक तंजीम से मुंसलिक ओहदेदार ने वीओए को बताया कि यरूशलम को इसराइल के दारुल हुकूमत तस्लीम करने से अमन की कोशिशों को तकबीयत मिलेगी। सदर ट्रंप की जानिब से ऐलान और अमरीकी सफारत खाने को मुंतकिल करने के फैसले से फलस्तीनियों और दीगर हलकों को अहम पैगाम गया है कि अगर आप साइट पर रहेंगे तो मामला जू के तू नहीं रहेंगे और आप अपनी हैसियत खो भी सकते हैं। ये खुद उनके अपने मफाद में है कि वो इन इकदाम को रोकने के लिए ऐसे तरीके ढूंढें जिनसे कयाम अमन की अमल को नुकसान पहुंच सकता है। 1995 के अमरीकी कानून के तहत अमरीकी सफारतखाने को तेल अवीव से यरूशलम मुंतकिल करने का पाबंद बनाया गया है, लेकिन सदर ट्रंप के ऐलान से पहले तमाम सदूर ने इस इकदाम से सिक्योरिटी एतबार से गुरेज किया।
जी, इसके अलावा यरूशलम को इसराइल का दारुलहुकूमत तस्लीम करने के फैसले पर गौर के लिए सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास जुमे को मतवक्को है, जिसे 15 जो मेंबरान हैं सिक्योरिटी काउंसिल के उनमें से 8 मेंबरान ने रिक्विजिशन किया है, जिसमें फ्रांस, इटली और बरतानिया शामिल हैं, जबकि तुर्की और फलस्तीन की जानिब से इस फैसले को बैन अल-अक़वामी कवानीन के बरखिलाफ और यूएन की रेजोल्यूशंस के खिलाफ और मुनाफी करार दिया गया है। जी अमान, अज़र हम अमरीका की तरफ से यरूशलम को इसराइल का दारुलहुकूमत तस्लीम किए जाने पर सामने आने वाले रद्दअमल की तफसीलात दे रहे थे। थैंक यू अमान फॉर द डिटेल्स। और पाकिस्तान के दारुलहुकूमत इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से भी सदर ट्रंप के इसी फैसले पर रद्दअमल सामने आ रहा है। मनाजिर जो अब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये क्वेटा के हैं, जहाँ मजहबी और सियासी जमातों के इत्तेहाद दिफाए पाकिस्तान काउंसिल के कारकुनों ने अमरीका की जानिब से यरूशलम को इसराइल का दारुलहुकूमत तस्लीम करने पर एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मुजाहरे में लोगों ने अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी भी की और हुकूमत पाकिस्तान से अमरीका के साथ ताल्लुकात मुनक़ता करने का मुतालबा भी किया। मुल्क के कई दूसरे हिस्सों से भी ऐसे ही मुजाहरों की इत्तला अब सामने आ रही हैं। अमरीका को अगर देखा जाए तो साल से ये मुल्क इसराइल फलस्तीन तनाज़े के हल के लिए काम करता आ रहा है। सदर ट्रंप के फैसले से अमन अमल में अमरीका की पोजीशन पर क्या असर पड़ सकता है, इस बारे में हम बात करेंगे वाशिंगटन के तहकीकी इदारे सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस की आलिया अवदल्ला से, जो मशरक़ वुस्ता के मामलों पर गहरी नज़र रखती हैं। आलिया, वेलकम टू व्यू 360। वी आर गेटिंग इंटरनेशनल रिएक्शन ऑन दिस न्यूज़, बट द फैक्ट इज़ दैट अमेरिकन प्रेजिडेंट्स हैव नेवर हिडन दिस एस्पेक्ट दैट अमेरिका इज़ इज़राइल्स बिगेस्ट एलाई। How does this decision affect its position as a mediator when it has always made itself very clear in its relationship with Israel? Well, it's certainly true that the US has been a strong ally of Israel, and former presidents have effectively acknowledge that Jerusalem will be the capital of both Israel as well as the Palestinians. The US has mostly refrained from explicitly recognizing Jerusalem as the capital, especially the former US presidents, because they believe that this is something that should be negotiated during peace talks between the Palestinians and the Israelis, and the US has an important role to play in those negotiations. How does this decision affect that role now? But technically, as President Trump was cautious to point out that this wouldn't necessarily change anything for the peace talks, and that this decision would still be made as part of the peace talks, but it does undermine the credibility of the United States to negotiate this as a formal and neutral party between the Israelis and the Palestinians. तो आलिया का भी यही मानना है कि अमेरिका का इस मामले में जो सालिस के तौर पर किरदार है वो मनफी तौर पर मुतासर होगा, क्योंकि अगरचे अमरीका ये वाजे करता आया है तारीख में कि वो इसराइल का बहुत बड़ा इत्तेहादी है, लेकिन फिर भी खुल के अमरीकी सदूर ने यरूशलम के स्टेटस के बारे में कोई पॉलिसी नहीं दी थी, कोई तस्लीम नहीं किया था उसको बतौर दारुलहकूमत, तो अब ये जो फैसला है इससे वो पोजिशन effect ho sakti hai. But as you mentioned, this has been American policy all along. It's just, and President Trump also mentioned yesterday that it was just that American presidents had not delivered on it. He has delivered. And the second thing that you mentioned, which he also talked about yesterday, was that this doesn't change anything about the status of the city. So is this decision at the end of the day merely symbolic or anything more than that? I think it's more than symbolic, because it also plays into how we deal with our Arab allies. So our relationships with them have been improving over the years. They've also slowly been improving their relationship with Israel, but their publics really oppose this move. I mean, it harms the credibility of the US in the region, and it makes it much more difficult for Arab allies to work with us on issues like counterterrorism, and also to work with us on the peace talks in general. तो ये जो फैसला है सदर ट्रंप का, आलिया कहती हैं कि ये अलामती नहीं है, सिर्फ उससे ज़्यादा है, क्योंकि इसके ताल्लुकात पे असरात पड़ेंगे, ख़ास तौर पे अमेरिका के अरब ममालिक के साथ, और सिर्फ मशरक़ वुस्ता अमन अमल के तनाजुर में ही नहीं बल्कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ भी जो कोशिशें जारी हैं जिनमें अमरीका और उसके अरब इत्तेहादी मिलकर काम कर रहे हैं वो भी इससे मनफी तौर पर मुतासर हो सकती हैं। नाउ प्रेजिडेंट ट्रंप डिड नॉट गिव एनी आउटलाइन फॉर द पीस प्रोसेस। इफ़ यू लुक एट इट इन दैट सेंस, इज़राइल हैज़ सेड दैट दिस इज़ अ मूव दैट इज़ गोइंग टू हेल्प विद द पीस प्रोसेस। पैलेस्टिनियंस ऑफ कोर्स डिसएग्री with that. So in the absence of any clear outline yet, does it look like maybe this would encourage Israel to give some concessions to Palestine and come back to the negotiations table? I think if there were going to be concessions on the part of Israel for this decision, it likely would have come before President Trump announced it. Essentially, he gave this decision without much concession from Israel, and I do think that that's problematic, and I think it's problematic that it's not part of a wider strategy on the Middle East or on the peace talks. It was really an unnecessary decision at the time. It didn't come as any part of a broader plan or any negotiations between the US, Israel, or other countries. तो आलिया कहती हैं कि ये जो फैसला है ये चूंकि इस वक्त कोई और बड़ा पीस प्लान ट्रंप इंतजामिया ने नहीं पेश किया, तो उस हवाले से अगर देखा
جائے تو ایک غیر ضروری فیصلہ تھا. جہاں تک اسرائیل نے اس فیصلے کو خوش آمدید تو کہا ہے, لیکن اگر اس بات کا سوال اٹھایا جائے کہ کیا یہ چیز اسرائیل کو انکریج کرے گی کہ وہ امن مذاکرات کی میز پہ واپس آئے, تو آئلے کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا, کیونکہ اگر اسرائیل نے فلسطین کو کوئی مراد دینی ہوتی, کچھ کنسیشن دینی ہوتی, تو وہ اس فیصلے سے پہلے بھی دے سکتا تھا. انٹرنیشنل کمیونٹی ہیز criticized this decision, but the fact is that most of them do not accept Jerusalem as a territory that's under complete Israeli authority. So now when most of the world is still on one side, does that open up any window for peace negotiations between Israel and Palestine? Does that soften the blow of this decision? I'm not sure, because I still think that the most important party in the view of Israel and Palestine is the United States. It's been the lead on negotiations over the past several decades. So it may soften the blow somewhat to have supporters from outside the United States, but I don't think, unless the international community significantly rallies in a way to counterbalance this, that it will really make much of a difference. تو اگرچہ جو بین الاقوامی برادری ہے وہ اسرائیل کی یک طرفہ عملداری نہیں تسلیم کرتی یروشلم پہ, لیکن امریکہ اس پورے سچویشن میں سب سے اہم پلیئر ہے اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے, اس لیے اس کا کردار زیادہ اہمیت رکھتا ہے عالیہ کی نظر میں. اور انلیس وہ کہتی ہیں کہ جب تک جو بین الاقوامی برادری ہے وہ کوئی خاص طور پہ کچھ اقدامات نہیں اٹھاتی اس فیصلے کے تناظر میں, تب تک اسرائیل اور پیلسٹائن کے درمیان جو امن عمل ہے اس کو آگے بڑھانے کی کوئی خاص راہ کھلتی نظر نہیں آتی, کیونکہ جیسے انہوں نے کہا امریکہ ہی سب سے امپورٹنٹ پلیئر ہے اس ساری سچویشن میں. عالیہ عبداللہ, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اینڈ فار یور انسائٹ. یروشلم سے متعلق امریکہ کے فیصلے پر پاکستان سمیت دنیا بھر سے آنے والے رد عمل کی تفصیلات اور خصوصی انٹرویوز آپ پڑھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. اور روہنگیا بحران کے حل کی خاطر امریکی کانگریس نے ایک اہم قدم اٹھایا ہے, اس کی تفصیلات کچھ ہی دیر میں. صوبہ پنجاب میں کتوں کی بڑھتی تعداد عوام کی صحت کے لیے کتنا بڑا مسئلہ بن رہی ہے, اس پر بھی ایک رپورٹ شامل ہے آج کے شو میں. لیکن سب سے پہلے دیکھتے ہیں دنیا بھر سے ملنے والی کچھ اہم اور دلچسپ خبریں آج کے ورلڈ ویو میں. کے صدر طیب اردوان دو روزہ سرکاری دورے پر یونان پہنچے ہیں. ترکی اور یونان کے سرحدی تنازع سے پیدا ہونے والی کشیدگی کے باعث یہ کسی ترک سربراہ کا 65 سال میں پہلی بار یونان کا دورہ ہے. شامی حکومت کی مذاکراتی ٹیم جنیوا میں ہونے والے شام امن مذاکرات میں شرکت کے لیے اتوار کو جنیوا پہنچ رہی ہے. گزشتہ ہفتے شامی حکومت کی ٹیم اقوام متحدہ کی سربراہی میں کرائے جانے والے حادثے سے واک آؤٹ کر کے واپس شام چلی گئی تھی. شمالی کوریا کا کہنا ہے کہ امریکہ اور جنوبی کوریا کی مشترکہ جنگی مشقوں میں بھاری بمباری کرنے والے امریکی B-1B طیاروں کی شمولیت جیسے اقدامات سے جنگ سے بچنا مشکل ہوگا, جبکہ چین نے تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہو سکتی. جاپان میں 2020 میں ہونے والے اولمپکس اور پیرا اولمپکس مقابلوں کے لیے میسکوٹس کو شارٹ لسٹ کر لیا گیا ہے. ابتدائی طور پر منتخب ہونے والے ان میسکوٹس میں سے پرائمری اسکول کے بچوں کے ووٹ کے ذریعے فائنل کا انتخاب کیا جائے گا. روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی کی مذمت میں امریکی ایوان نمائندگان میں دو تہائی اکثریت سے ایک قرارداد منظور کی گئی ہے, جس میں میانمار پر زور دیا گیا ہے کہ وہ روہنگیا پر حملے بند کرے اور راکھائن ریاست میں امدادی تنظیموں کو فوری رسائی دے. امریکی کانگریس میانمار پر فوجی اور معاشی پابندیاں لگانے پر بھی غور کر رہی ہے, اور کل منظور ہونے والی اس قرارداد میں اس جانب پہلا قدم ہے. اگست سے اب تک تقریباً 8 لاکھ روہنگیا میانمار سے نکل کر بنگلہ دیش میں پناہ لے چکے ہیں. اور اب اس ہفتے کی ہیلتھ رپورٹ. پاکستان میں باولے کتے کے کاٹنے سے ہر سال اندازاً 2000 سے زیادہ افراد موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں, لیکن چونکہ بہت سے لوگ اسپتال سے علاج نہیں کراتے اور جڑی بوٹیوں اور دم کا سہارا لیتے ہیں, اس لیے کتے کے کاٹے کے تمام کیسز رپورٹ نہیں ہوتے. سارا, اور صوبہ پنجاب میں آوارہ کتوں کی بڑھتی ہوئی تعداد اور علاج کی محدود سہولتوں کے درمیان شہری خود کو کتنا پھنسا ہوا محسوس کر رہے ہیں, اس بارے میں دیکھتے ہیں لاہور سے رپورٹ. حکومت کو انسانوں کی بڑھتی تعداد کی فکر ہے, لیکن آوارہ کتوں کے لیے کھلی چھوٹ ہے. کتوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کا تعلق صرف دیہات سے نہیں بلکہ شہروں میں بھی یہ خطرہ تیزی سے پھیل رہا ہے. میں اپنی فرینڈ کو لینے جا رہی تھی تو نا ان کے گھر گئی, ان کا ڈاگ کھلا ہوا تھا, ان کے گھر ڈاگ تھا تو وہ اس نے مجھے کاٹ دیا. میں بھاگا ہوں تو وہ کتے نے اپنا اس طرح کر کے دو دانت مار دیے. بارہ کتوں کو ایک جگہ پہ لے جا کے یا تو ماریں, مار نہیں سکتے تو کوئی ان کا ایسا ادارہ بنائے کہ گلیوں میں کتے بالکل نہیں ہونے چاہیے.
यूं तो महकमा सेहत पंजाब की जानिब से जिला और तहसील की सतह पर हर सरकारी अस्पताल को कुत्ते के काटे की वैक्सीन दी जाती है, लेकिन मरीजों की तादाद ज्यादा होने के बायस अक्सर ये दवा नायाब रहती है। पंजाब भर में कुत्ते के काटे का इलाज करने वाला वाहिद मरकज लाहौर में है, जहां रोजाना आने वालों की तादाद 80 से 150 है। एडवाइस किया होता है इंजेक्शंस वगैरह, उसके जो है इंजेक्शंस जो है वो हम लोग लगाते हैं। यहाँ पे इंट्राडर्मल इंजेक्शन का जो है 4 टीकों का कोर्स वो मुकम्मल करवाया जाता है। मुख्तलिफ दिनों के वक्त से पेशेंट को बुलाया जाता है। वैक्सीनेशन हर हॉस्पिटल में डीएचक्यू में हो रही है इसकी, लेकिन लोगों को किसी को नहीं मालूम होता या कोई पेशेंट ज्यादा है उसकी कंडीशन खराब है वो फिर हमें रेफर कर देते हैं, क्योंकि ये बकायदा हम जो ट्रीटमेंट जो कर रहे हैं वो बकायदगी वो एक सेंटर है, ये मुकम्मल सेंटर है, ये पूरा हॉस्पिटल का एक हिसाब का काम कर रहा है। गवर्नमेंट से मैं इस चीज़ की अपील करूंगा कि जनाब के जैसे कोई इमरजेंसी कोई पड़ जाती है तो इस इदारे के ऊपर थोड़ी तवज्जो दी जाए ताकि इसको एक सर्विस ज़्यादा की जाए, क्योंकि यहाँ पर जो सर्विस है ना वो है सुबह 9 बजे से लेके जो है ना 1:30-2 बजे तक है। इस बर्स एंटी रेबिस सेंटर में बावले कुत्ते के काटे के सिर्फ 5 मरीज रजिस्टर्ड हुए। ज्यादातर वाकियात में मुतासिर अफराद वैक्सीन लेने की बजाय घरेलू नुस्खों और दम पर इन्हसार करते हैं। ऐसे केसेस का कहीं इंदराज नहीं होता जिसके बायस वो मौत के मुंह में चले जाते हैं। केसेस कम नहीं हो रहे, उसकी वजह यह है कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं उन पे कोई कंट्रोल नहीं है, वो इतनी टीम्स में भी इतनी एक्टिव नहीं है। स्ट्रे डॉग्स की अमाउंट जो है वो लाहौर डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज्यादा है, तभी हम लोगों को 1000 पेशेंट्स जो है वो पर मंथ रिपोर्ट हो रहे हैं। अदाद शुमार के मुताबिक गर्मियों में कुत्ते के काटे के वाकयात में इजाफा हो जाता है और बड़ों की निस्बत बच्चे बस इस हादसे का ज्यादा शिकार हो जाते हैं। और टेक्नोलॉजी खवातीन को बाइख्तियार बनाने में अहम किरदार अदा कर रही है, लेकिन इस शोबे में आगे निकलना अब भी उनके लिए खासा मुश्किल है। बिल्कुल, खवातीन को आगे ही देने और इस फील्ड में उनकी कामयाबियों को नुमाया करने के लिए अमेरिका में ग्रेस हॉपर सेलिब्रेशन के नाम से एक सालाना कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जाती है। तो आइए चलते हैं टेक इंडस्ट्री से वाबस्ता खवातीन के इस सबसे बड़े कन्वेंशन में जो अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के शहर ऑरलैंडो में हुआ। डिज्नी वर्ल्ड के लिए दुनिया भर में मकबूल ऑरलैंडो में वैसे तो लोग फार्म के दरख्तों, शॉपिंग और थीम पार्क्स के लिए आते हैं, लेकिन हाल ही में इस शहर के कन्वेंशन सेंटर में 18,000 खवातीन टेक्नोलॉजी पर गुफ्तगू करने के लिए जमा हुई। खवातीन अमरीकी टेक इंडस्ट्री की वर्कफोर्स का 23% है और मेलिंडा गेट्स कहती है कि वक्त आ गया है कि वो इंडस्ट्री में बड़ा रोल प्ले करे। अब वक्त आ गया है कि दुनिया इस बात का एहसास कर ले कि बहुत मुमकिन है अगला बिल गेट्स पिछले से बिल्कुल मुख्तलिफ हो और ये कि हर अच्छा आइडिया खुद ही मिटा नहीं होता। ये कोई आम टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस नहीं थी, यहाँ माओ को बच्चों की देखभाल का इंतजाम भी मुहैया किया गया था। ये कॉन्फ्रेंस मसनूई जहानत की टेक्नोलॉजी, टेक कंपनीज के लिए फंडिंग इंडस्ट्री में तब्दीली और खवातीन के टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के मौके पर बात करने के लिए भी एक अच्छा मौका था। It's been a really amazing experience. मेरे लिए मुख्तलिफ फील्ड्स में कामयाबी हासिल करने वाली खवातीन से उनके सफर के बारे में जानने का एक जबरदस्त तजुर्बा था। सिलिकॉन वैली एंड द टेक इंडस्ट्री। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान वॉइस ऑफ अमेरिका की जानिब से मुनक्किद की जाने वाली टाउन हॉल में खवातीन ने शोबे में अब तक होने वाली कामयाबी पर गुफ्तगू की। And I spend a lot of time talking to managers about. मैं मैनेजर से अक्सर कहती हूँ कि जब भी किसी मुलाजमत का मौका पैदा हो तो उसे सिर्फ अपने नेटवर्क के लोगों तक महदूद रखने की बजाय सबके लिए अनाउंस करें। मैक्सिको सिटी में परवान चढ़ने वाली डेबरा माहिर तबियात हैं। उन्होंने साइंस में अपने शौक के लिए वालदैन की हिमायत न होने के बावजूद इसे जारी रखा। Don't let anyone ever tell you that... अपने ख्वाब पूरे करने पर यकीन रखें। सिर्फ आप खुद अपना मुस्तकबिल बना सकती हैं। किसी की रहनुमाई लें, बेतहाशा पढ़ाई करें, अपनी कारोबारी सलाहियतों को निखारें और अपना रास्ता खुद बनाएं, क्योंकि इसका फल भी सिर्फ आप ही को मिलेगा। शुरका का कहना है कि टेक इंडस्ट्री की बड़ी खवातीन शख्सियात से मिलना उनके लिए हौसला अफजा रहा। मुझे अपनी फील्ड में अपनी तमाम सलाहियतों को बरूए कार लाकर आगे बढ़ने का हौसला मिला है ताकि मैं दूसरों के लिए मशले राह बन सकूं। ये साफ जाहिर है कि मुतासर करने वालों की इस कॉन्फ्रेंस में कमी नहीं थी। मिशेल क्विन के साथ सबशा खान, उर्दू VOA। शहर के जनूबी हिस्से में जॉन लेफिट नेशनल हिस्टोरिक पार्क है और दूसरे ऐसे इलाके हैं जिन्हें खास तौर पर तहफ्फुज़ दिया गया है। ये पार्क उस फ्रांसीसी कजाक के एजाज में बनाया गया जिसने बरतानिया के खिलाफ 1812 में होने वाली जंग में एंड्रू जैक्सन की मदद की थी।
माइका ने वेटलैंड्स में भी वक्त गुजारा, जहां पौधों और जंगली हयात के नमूने बड़ी तादाद में मौजूद हैं। पूरे गल्फ कोस्ट में हमने जितने भी ऐसे मकामात देखे हैं, यानी एवरग्लेड से लेकर शुमाल मगरब में टैंपा से आगे न्यू ऑरलीन्स तक, उनमें ये मुकाम यकीनन एक मिसाली हैसियत का हामिल था। माइका को पावर्टी पॉइंट नेशनल मॉन्यूमेंट जाने का भी मौका मिला। ये मकामी अमरीकियों के आबाद होने से पहले की जगह है, जिसे आलमी सतह पर अब एक तारीखी विरसे का दर्जा मिल चुका है। 3400 साल पुरानी ये जगह शुमाली अमरीका के अहम तरीन आसार कदीमा में से एक है। ये मुनफरिद जियोमेट्रिक डिजाइन इंजीनियरिंग का शाहकार है। यहाँ उभरी हुई जमीन की 6 तहें हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ लोग आबाद थे और फिर यहाँ दर्जनों मुख्तलिफ टीले हैं। केन रिवर क्रियोल नेशनल हिस्टोरिक पार्क रियासत लुजियाना का छोटा सा कौमी पार्क है। यहाँ पर माइका ने मुशाहिदा किया कि इस रियासत की सकाफत पर सिर्फ फ्रांस ही के असरात नहीं पड़े। इस पर तमाम लोगों, तमाम ममालिक और उन लोगों के गहरे असरात पड़े हैं जो न्यू ऑरलीन्स में तजारत करते थे। आपको मालूम है कि फ्रांस, बरतानिया, स्पेन और क्रियोल सकाफत बहुत ही मुनफरिद है, जो मुख्तलिफ सकाफतों के बाहमी मुलाप से पैदा हुई। किनारे हर साल क्रिसमस से पहले एक बहुत ही खूबसूरत बोट परेड भी होती है, जिसमे लोग अपनी जाती कश्तियों को दिलकश अंदाज से सजा कर लाते हैं। इसे परेड ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है। रात के वक्त पानी पर जगमगाती इन कश्तियों को देखने लोग दूर दूर से आते हैं और अपने साथ बहुत सी खूबसूरत तस्वीरें और यादें लेकर जाते हैं। ये क्रिसमस और जिंदगी को जोश और जज्बे से मनाने का एक बहुत खुशगवार मौका है। यहाँ आना, कश्तियों की नुमाइश, ये सब लोगों को महसूस करने के लिए है। मैरी क्रिसमस, हानुका, क्वांसा मुबारक। यहाँ अमेरिका में हमारी तरफ से पूरी दुनिया के लोगों को, हम आप सबकी कदर करते हैं और इस सीजन में हम सबको मिलजुल कर खुशी मनानी चाहिए। और एक और फैक्ट इस परेड के बारे में, जो परेड वालों को नहीं पता, वो ये कि ये मेरे घर के बहुत करीब होती है और मुझे नजर भी आती है घर से बैठे बैठे, और फिर इसके बाद आतिशबाजी का बड़ा जबरदस्त मुजाहरा होता है, कोई आधा घंटा चलता है। तो अगर आप वहाँ नहीं बैठे तो आधे घंटे तक घर में बैठे सिर्फ ठाठा 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 की आवाज़ें आ रही होती है। तो घर के एंजॉय, घर से क्रिसमस एंजॉय कर लेती है। बिल्कुल, ये था हमारा आज का व्यू 360 शो में शामिल रिपोर्ट पर अपनी राय देने के लिए आइए हमारे फेसबुक पेज पर, एड्रेस है facebook.com/voaurdu।